देश में देश का नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए प्रिवेंटिव केयर के लिए भी भार दिया, स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योगा, ये सब प्रिवेंटिव केयर के लिए आवश्यक है। वहाँ से भारत के नागरिकों के हेल्थ अच्छे बने, हेल्दी नेशन बने, उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद आयुष्मान भारत, हेल्थ वेलनेस वेलनेस सेंटर, हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए। ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। माता उसके बेटे, नवजात शिशु से लेके छोटी उम्र के बच्चे, डायबिटिक पेशेंट की जांच, टेस्टिंग, बीपी, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ये सभी के प्राइमरी लेवल पर जो चेकअप हो जाए तो हम नागरिक को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया। आज शायद 79,000 से अबव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ हो चुका है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। जब आपको हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना है और सुनिश्चित करना है तो आवश्यकता होती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स का एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज की। मोदी जी ने कहा पहले 3 लोकसभा सीट में एक मेडिकल कॉलेज बनेगी, उससे आगे बढ़ना शुरू किया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम चालू किया। 157 नई मेडिकल कॉलेज मंजूर किया। मेडिकल्स यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट की सीटें लगभग लगभग नियरस्ट डबल हो गई और आगे बढ़ रही है। देश में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, वो पूरी करने के लिए अभियान चला, जो मैंने कहा टोटल अप्रोच के साथ कैसे काम होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और देश में बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है। देश के नागरिकों को सस्ता इलाज मिले, इसलिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अमल हुआ। 10 करोड़ फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया। 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज दिन तक 5 लाख तक की मर्यादा में ट्रीटमेंट मिली, छोटी बात नहीं है। जिस हॉस्पिटल में चार्ज ज़्यादा होता है, या तो ऐसा मानते थे कि गरीब लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते, एक जगह पे देश के सुखी व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति की ट्रीटमेंट होती हो, वही हॉस्पिटल में देश के गरीब परिवार के व्यक्ति की भी ट्रीटमेंट होती हो, ये सुनिश्चित किया। लोगों को सस्ती दवा मिले, क्योंकि डायग्नोसिस, कंसल्टिंग के अलावा 60% खर्च मेडिसिन पर होता है। सारे देश में 8,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र चलाए, वहाँ अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है, अच्छी क्वालिटी मेडिसिन। कैंसर की कोई मेडिसिन है मार्केट में, एक टेबलेट का 100 रुपीज हो तो यहाँ मैक्सिमम 50 रुपीज, और उसके नीचे 20, 25, 30 रुपीज में आपको क्वालिटी मेडिसिन मिल जाती है। पर डे 20 लाख से अधिक लोग जनऔषधि स्टोर पर मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, ये टोटल अप्रोच का परिणाम है। और उसके आगे ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो और कोई विशेष डिसीज हो,
कोई इस लेवल का ऑपरेशन करना हो, इसलिए टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए जो हमारी 7 एम्स थी उसको आगे बढ़ा के 22 एम्स पर काम आज ऑलरेडी चालू हो गया है। कोविड क्राइसिस आई और एक कोविड क्राइसिस ने हमें स्वॉट एनालिसिस करने के लिए अवसर दिया, हमारी क्या क्या कमी है, क्या करना और करने की आवश्यकता है, भविष्य में कोई भी पैंडामिक आए तो हम उसका सामना कर सके। इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसमें से ही जन्म हुआ है। कहाँ लैप्सिस है, ये लैप्सिस को पूरा करने के लिए यस्टरडे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से 64,000 करोड़ रुपए की 5 साल में 5 ईयर्स में 64,000 करोड़ रुपीस इस योजना पर खर्च किया जाएगा। और उसमें टारगेट सेक्टर है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्र और नेशनल, सभी लेवल पर अच्छी लेबोरेटरी हो, एक ब्लॉक में भी लेबोरेटरी हो, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उससे बड़ी लेबोरेटरी हो, कोई सामान्य टेस्टिंग कराना हो तो कभी एक बड़ी सिटी की ओर जाना पड़ता है, स्टेट के कैपिटल तक जाना पड़ता है, ये स्थिति ना निर्माण हो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डायग्नोस्टिक हो जाए और डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो और उसके अलावा भी कोई आगे डायग्नोसिस की आवश्यकता हो, परीक्षण की आवश्यकता हो तो देश में 20-20 लोकेशन पर एक लेवल की लैब हो जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके, देश में पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, लैंड पोर्ट हो, जहाँ से देश से दूसरे देश के नागरिक इस देश में आते हैं, हमारे नागरिक बाहर के देश में जाते हैं, वहाँ अच्छी तरह से टेस्टिंग हो, उसकी फैसिलिटी हो। एक इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिस योजना के तहत अगले 5 साल में एक डिस्ट्रिक्ट में 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपये का खर्च एवरेज किया जाएगा। इससे अगले दिनों में आने वाली कोई भी पेंडामिक में हमें लड़ने के लिए देश को सक्षम बनाएगा। इस दृष्टि से मैंने सोचा कि एक बार एक विस्तार से प्रेजेंटेशन आपके सामने आए, क्योंकि 5 साल तक चलने वाली योजना है तो मेरी ये टीम जो मीडिया की टीम हेल्थ को रिपोर्ट कर रही है उसके पास इस स्कीम के संदर्भ में, इस योजना के संदर्भ में कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो। इस दृष्टि से आज आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करने के लिए हम सब बैठे हुए हैं। मेरे एडिशनल सेक्रेटरी को कहूंगा वो आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शॉर्ट में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद सर। साथियों, मैं अपना प्रेजेंटेशन सामान्यतः हिंदी में ही करूंगा, बीच बीच में अगर आप लोग आवश्यक समझें तो कुछ इंग्लिश का भी उपयोग मैं कर सकता हूँ। आई होप हिंदी इज ओके। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, आयुष्मान भारत एक अप्रोच है जिसके अंतर्गत सरकार एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेकर चल रही है। इसका शुभारंभ अप्रैल 2018 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में जांगला से शुभारंभ किया था, जिसके अंतर्गत ये मिशन रखा गया कि प्राइमरी, प्रिवेंटिव, पैलिएटिव, प्रमोटिव केयर और वेलनेस पर अब स्वास्थ्य संस्थाओं में फोकस किया जाए और ऐसे 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स दिसंबर 2022 तक बनाकर तैयार किए जाएं। इसमें से लगभग 79,415 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अभी क्रियाशील हो चुके हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। दूसरा जो एक रिफॉर्म आयुष्मान भारत के अम्ब्रेला के तले सरकार ने किया है वो सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा,
जिसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना 5 लाख तक का कवर दिया जाता है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, इस योजना में अब तक लगभग 2.25 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लॉन्च किया। इस मिशन के अंतर्गत देश के जितने भी अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जितनी भी लैब्स हैं, जितनी भी फार्मेसीज हैं, इन सब को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे एक नेटवर्क पर लिया जाएगा, ताकि नागरिक इस प्रकार का एक आईटी डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि नागरिक इन सुविधाओं को उस सिस्टम के माध्यम से कहीं पर भी रहते हुए आसानी से एक्सेस कर सकें। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इस योजना के माध्यम से होंगे। और जैसा कि आपको अवगत है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया है, जो कि देश को आने वाली किसी भी प्रकार की महामारी या हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक योजना है। और इस योजना के अंतर्गत नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया ही जाएगा, साथ ही जो विद्यमान इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती भी दी जाएगी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाली सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत हर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। इसके अलावा करीब 64,180 करोड़ का आवंटन इस योजना के लिए अगले 5 सालों के लिए प्रावधानित है। इस योजना के क्रियान्वयन में सैचुरेशन अप्रोच को फॉलो किया जाएगा, यानी हर जिला डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट के लिए आत्मनिर्भर हो, ब्लॉक लेवल पर भी आत्मनिर्भरता एटलीस्ट जो छोटे छोटे टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए ब्लॉक लेवल से ऊपर लोगों को न जाना पड़े। और आगे जब मैं आउटकम्स प्रेजेंट करूंगा तो आपको ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी कि डायग्नोस्टिक्स के लिए किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार का मिशन इस योजना में किया गया है। ये योजना कॉम्प्रिहेंसिव जो आयुष्मान भारत का विजन है उसके अंतर्गत विभिन्न जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उदाहरण तैयार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जन आरोग्य योजना, डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन सभी योजनाओं में मेडिकल एजुकेशन के रिफॉर्म्स, जहाँ भी जो क्रिटिकल गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करें और इनके माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम विकसित हो। जहाँ तक इसमें 3 मुख्य घटक इसके माने जा सकते हैं, एक है डिजीजेस का सर्वेलेंस यानी निगरानी, दूसरा है डिजीजेस का ट्रीटमेंट यानी डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट, और तीसरा है डिजीजेस की रिसर्च। तो जहाँ तक सर्वेलेंस का प्रश्न है, इसमें हर जिले में एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी। 3,382 विकास खंडों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाई जाएंगी। 5 NCDC के 5 रीजनल ब्रांचेस स्थापित की जाएंगी, जो कि देश के 5 रीजन्स में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, उसकी जलवायु के अनुकूल के हिसाब से जिन रोगों की वहाँ ज़्यादा प्रधानता होती है उस पर निगरानी, क्षेत्र स्पेसिफिक निगरानी रखने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा 20 महानगरों में, बड़े शहरों में भी NCDC की इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। हमने इस पैंडमिक के दौरान ये देखा कि बड़े शहरों में विशेष रूप से बहुत सारी